अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वंदे भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तनिष्क का शुक्रिया दिया, निबंध में तृतीय। इसके बाद तैयार है यमाना शेख। यमाना शेख जी निबंध में प्रथम। यमाना शेख, यमाना शेख जी आइए बताइए। उसके बाद नाम नितिन दुराबड़िया। चित्रकला में तृतीय स्थान। इसके बाद है चित्र प्रफुल्ल लक्ष्मी नारायण हो गए। आइए प्रफुल्ल हर्षिनी गहलोत निबंध में द्वितीय स्थान। कनुप्रिया पिल्लोरे तैयार। कनुप्रिया पिल्लोरे तथा तनिष्का पिपिलगुड़िया निबंध में तृतीय। इसके बाद तैयार है यमाना शेख। यमाना शेख जी निबंध में प्रथम। यमाना शेख, यमाना शेख जी आइए बताइए। उसके बाद नाम नितिन दुराबड़िया। हमेशा मौजूद रहते हैं। और आज हमारा देश 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुका है तथा विकास के नित नए सोपानों को चूम रहा है। थाली हम हरिश्चंद्र है सीतनी जी, हम कर्म सरी के दानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सीधा ठोक के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता नाम
अच्छे संस्कार करने की प्रेरणा आपको मिलती है। पर आज जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि जब आप परीक्षा में अच्छे में अपने नेतृत्व का परचम फहरा कर रखा हुआ है, आज उनको धन्यवाद और आभार स्वरूप वो अपनी बात कुछ सेंट्रल स्कूल देवस के बच्चे हैं, कविता पाठ के लिए वो आ जाए और अपना कविता पाठ करें, थोड़ा समय का ध्यान रखें। जोरदार ताली से स्वागत करें। आज देवास के इस भव्य कार्यक्रम में जिसका आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय महापौर जी, सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण जो नीचे बैठे हुए हैं, सभी रेलवे के अधिकारीगण और सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं जानती हूँ माननीय मोदी जी का उद्बोधन सुनने के लिए सब बैठे हैं, मैं केवल 2 मिनट का समय लूंगी। माननीय मोदी जी को, माननीय मंत्री जी वैष्णव जी को और हमारे सांसद जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि देवास को चिन्हित किया गया 500 स्टेशन में, जिसमें ये राशि मिल गई है जिससे इस स्टेशन का उन्नयन किया जाएगा। आप सभी के माध्यम से, क्योंकि आपकी विधायक हूँ, आप सभी के ओर से मैं इन सभी केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। देवास विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजमाता साहब, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री अशफाक अहमद जी, देवास नगर की महापौर मेरी बहन आदरणीय गीता अग्रवाल जी ने किया है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए, शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां
रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती है। ये पोटेंशियल को पहचान भारतीय रेलवे को ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है। इसी सोच के साथ समग्र विकास के लिए काम हुआ है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस आज किस प्रकार का यहाँ का प्रोग्राम था और क्या कुछ विशेष रहा था? आज अमृत भारत स्टेशन योजना जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, उसके अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था। हमारे रतलाम मंडल में 2 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल किए गए हैं, एक देवास और दूसरा चित्तौड़। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के 6 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। अगले चरण में इन रेलवे स्टेशनों का भी शिलान्यास होगा, जिसमें शाजापुर, मक्सी, बेरछा, अकोदिया और शुजालपुर को शामिल किया गया है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देवास के रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने के लिए जो आशीर्वाद प्रदान किया है, उससे यहां पर यात्रा करने वाले लोगों को सरल और सुलभ यात्रा का आनंद प्राप्त होगा। भैया, स्टेशन कैसा रहेगा, इसकी लागत क्या है और ये प्रयास कब से चल रहे थे? रेलवे स्टेशन में 65 करोड़ रुपया अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुआ है। देवास रेलवे स्टेशन के प्रथम चरण में 29 करोड़ रुपया खर्च होगा। उस 29 करोड़ रुपया में FOB बनाया जाएगा, पैसेंजर वेटिंग रूम बनाए जाएंगे, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाएगी, डिसेबल लोगों के लिए भी टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाएगी, एक ऐसा वाहन पार्किंग का निर्माण किया जाएगा जिससे कि यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रैफिक न रुके। स्टेशन को इतना आधुनिक और इतना सुंदर निर्मित किया जाएगा कि यहाँ पर आने वाले व्यक्ति को इस तरह से आभास हो कि वो किसी रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि किसी एयरपोर्ट पर आया है। ये कब से प्रयास चल रहा था ये इस योजना में शामिल करवाने? मैं जब देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं के आशीर्वाद से सांसद बना, उसके बाद से लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहा हूँ कि देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों का उन्नयन हो, उन्हें एडवांस किया जाए, वहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाए। मुझे अमृत भारत योजना के अंतर्गत सफलता प्राप्त हुई है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने मेरे लोकसभा क्षेत्र के 6 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। विधायक यहाँ पर आई थी, अचानक से यहाँ से चली गई, क्या कुछ करा है? आदरणीय विधायक जी का कार्यकर्ता सम्मेलन भी है और चूंकि अपने अपने सभी के कुछ काम होते हैं, हम सबको अलग अलग मोर्चे पर पार्टी लगाती है, हम सब पार्टी के आदेशों का पालन करते हैं। वो निश्चित रूप से जहाँ भी गई होंगी पार्टी के आदेश का पालन करने के लिए गई होंगी।